रियलिटी के करीब बन जाए। खा जी देखिए, ये असल में डॉक्टर साहब के को मैंने तहसीन पेश किया है, तो गज़ल लिखी है, उसके अंदर एक शेर उनके तलब मैंने सुना। उसे बिछड़े हुए हमसे ज़माना हो गया है, उसे बिछड़े हुए हमसे ज़माना हो गया है, चमन में उससे मिलने का बहाना हो गया है। उसे बिछड़े हुए हमसे ज़माना हो गया है, चमन में उससे मिलने का बहाना हो गया है। जिनू के काफ़िले जो जानबे मंजिल रवा थे, जिनू के काफ़िले जो जानबे मंजिल रवा थे, वो आशिक खोज में उनकी रवाना हो गया। जिनू के काफ़िले जो जानबे मंजिल रवा थे, वो आशिक खोज में उनकी रवाना हो गया है। शजर था दोस्ती का साए में जिसके मिले थे, शजर था दोस्ती का साए में जिसके मिले थे, मोहब्बत के यतीमों का ठिकाना हो गया। शजर था दोस्ती का साए में जिसके मिले थे, मोहब्बत के यतीमों का ठिकाना हो गया है। कमां को तान के देता था मजलूमों को धमकी, कौन है वो, कमां को तान के देता था मजलूमों को धमकी, वो अपने तीर का खुद ही निशाना हो गया है। शबे यल्दा मोहब्बत में गुजारी इस तरह से, शबे यल्दा मोहब्बत में गुजारी इस तरह से, वफा से जुड़े मैं भी शमाना हो गया है। शबे यल्दा मोहब्बत में गुजारी इस तरह से, वफा से जुड़े मैं भी शमाना हो गया है। और महाफिल में रकीबों के सुने ताने तो आखिर, महाफिल में रकीबों के सुने ताने तो आखिर, नशा उसको मोहब्बत का दुगाना हो गया। जो देता था फकत महबूब को दौलत के चक में, है ना, हमारा महबूब देता है ना चक में, जो देता था फकत महबूब को दौलत के चक में, उसी की जेब का खाली खजाना हो गया। आप समझे कौन है। जो देता था फकत महबूब को दौलत के चक में, उसी की जेब का खाली खजाना हो गया है। वतन की सरजमी पर लाखों पे उसकी नजर थी, वतन की सरजमीं पे जमीन पर उस पे लाखों की नज़र थी, वतन से दूर यूके में यगाना हो गया है। वतन की सरजमीं पर उस पे लाखों की नज़र थी, वतन से दूर यूके में यगाना हो गया, कल्ला रह गया है। और मोहब्बत में जो कुर्बानी जो हमने खून से दी, मोहब्बत में जो कुर्बानी, मोहब्बत में वो कुर्बानी जो हमने खून से दी, किताबों में लिखा अब तो फसाना हो गया, किताबों में लिखा वो फसाना हो गया है। और शेर जनाब ने डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, कहता है बहुत मुश्किल है बज़्म में अज़्म से नासिर का जाना, बहुत मुश्किल है बज़्म में अज़्म से नासिर का जाना, कि उस तहरीक से रिश्ता, इस तहरीक से रिश्ता पुराना हो गया है। चलो जी, ये बाकी मैं थैंक यू वेरी मच। एक मैं पंजाबी जबान मैं अपना जरा सा कहने से अपना शायर बहुत अजीम शायर जरा बरतानिया के वर्की वाटा सी उसी तरह लिखा है कि उत्तों उत्तों वारिस शाह, उत्तों उत्तों वारिस शाह, विचों आशिक प्यार दाए, उत्तों उत्तों वारिस शाह, विचों आशिक प्यार दाए, हुजरे दे विच कल्यां बह के प्यार दे मल उसार दाए। उत्तों उत्तों वारिस शाह, विचों आशिक प्यार दाए, हुजरे दे विच कल्यां बह के प्यार दे मल उसार दाए, इश्क दी पट्ठी दे विच सड़ के दुखियां ते मजलूमां नाल, इश्क दी पट्ठी दे विच सड़ के दुखियां ते मजलूमां नाल, दुखां नूं सीने नाल ला के अपने आप नूं मार दाए। और वारिस शाह एक सूफी है ते पंजाबी दा लेखक भी, वारिस शाह एक सूफी है ते पंजाबी दा लेखक भी, पंज दरियावां दी धरती दा सिर तों कर्ज उतारदा है। वारिस शाह एक सूफी है ते पंजाबी दा लेखक भी, पंज दरियावां दी धरती दा सिर तों कर्ज उतारदा है। किस्सा हीर दा विच किताबां शेरां दे विच लिख लिख के फुल्लां वांगू एक एक लफ्ज़ नूं नज़मां विच संवारदा है। थोड़ा जिहा सबर करना पड़ेगा। औखे वेले भी ते वारिस अपने रब नूं भुलिया नहीं, औखे वेले भी ते वारिस अपने रब नूं भुलिया नहीं,
ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਖਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੀਰਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੀਰਾਂ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੀਰਾਂ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਵਾਰਿਸ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਇਸ਼ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਇਸ਼ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਸ਼ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਇਸ਼ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਸ਼ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਹਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਿਸ ਜਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜਜਮਾਨ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜਜਮਾਨ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਸਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਸਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈੜਿਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ